वेलकम फ्रेंड्स टू एंड्रॉइड ट्रिक्स। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हो कि आप किस तरह से अपने रेडमी नोट 3 में MIUI 9 नोगट रॉम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बीटा रॉम है और ये दूसरे मोबाइल से पोर्ट की गई हुई है रेडमी नोट 3 के लिए, और ये ऑफिशियल रॉम नहीं है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लेटेस्ट रॉम ही डाउनलोड कीजिए यस्टी डेवलपर की वेबसाइट से, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल रूटेड होना चाहिए, अगर रूटेड नहीं है तो चलता है, लेकिन आपके मोबाइल का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए। उसी तरह उस पर TWRP या Z6 जैसी रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो इसके बाद में आपका मोबाइल पावर ऑफ करना है, और उसके बाद में वॉल्यूम अप एंड पावर की साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखनी है, और TWRP रिकवरी में बूट करना है। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है दो फाइलों की, तो दोनों जी फाइल आपको डाउनलोड करनी है। और सबसे पहले इंस्टॉल ऑप्शन में जाकर वो दोनों फाइल वहाँ पर आपको विजिबल है या नहीं देखना है। उसके बाद में आपको बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो करंट रॉम है उसका फुल एंड्रॉयड बैकअप बना लेना है। अगर आपको कस्टम रॉम पसंद नहीं आई हो तो आप अपने स्टॉक रॉम में वापस यहाँ से बैकअप रिस्टोर करके जा सकते हैं। तो इसके बाद में वाइप ऑप्शन में जाके, एडवांस वाइप में जाके आपको डेल्विक सिस्टम डाटा और कैचे, दो चार ऑप्शन है आपको ये सिलेक्ट करके वाइप करना है। आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल स्टोरेज या माइक्रो SSD का आपको वाइप नहीं करना है। उसके बाद में इंस्टॉल ऑप्शन में जाके आपको जो MIUI 9 नोगट की जो चिप फाइल डाउनलोड की है तो वो इंस्टॉल करनी है। ये फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपको लेजी फ्लैशर जी फाइल इंस्टॉल करनी है, अगर आप TWRP रिकवरी यूज़र है तो। अगर Z6 रिकवरी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये लेजी फ्लैशर की जी फाइल इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी रेडमी नोट 3 में मेरे TWRP रिकवरी है ऑफिशियल। और जस्ट अगर मैं नोगट की रॉम इंस्टॉल करूँगा और रिबूट करूँगा तो मेरा मोबाइल जो बूट नहीं होता, इसलिए मुझे लेजी फ्लैशर की जी फाइल इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो आपको, अगर आप भी TWRP यूज़र है तो आपको भी लेजी फ्लैशर जी फाइल होगी वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, सॉरी फ्लैश करनी पड़ेगी। तो इसके बाद में आपको रिबूट पर क्लिक करना है, रिबूट सिस्टम में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बीटा रॉम है और पोर्ट की गई हुई रॉम है, तो इसलिए इसमें बहुत से बग है, तो ये स्टेबल रॉम नहीं है। अगर आपको अच्छी कस्टम रॉम चाहिए तो गूगल पिक्सल की जो मैंने वीडियो बनाया था वो रॉम है, वो बहुत अच्छी रॉम है, उसमें बहुत कोई भी ज़्यादा बग नहीं है उसमें, और वो बेस्ट रॉम है रेडमी नोट 3 के लिए। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें फिंगरप्रिंट जो है वो अच्छे तरह से वर्क करता है इस रॉम में। तो यहाँ पर दो आपको डिफॉल्ट थीम मिलते हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हो उन दोनों में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरफेस कैसा है MIUI 9 नोगट का। तो यहाँ पर जो वोल्टी है वो वर्क नहीं कर रही है। तो सेटिंग में आप देख सकते हैं सेटिंग कैसा है इसका, जैसे नोगट डिवाइस के लिए होता है नोगट का, उस तरह से सेटिंग नहीं है। जैसे कि आप लेफ्ट से अगर स्लाइड करेंगे तो आप सेटिंग के शॉर्टकट्स मिल जाते हो आपको, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर और जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है वो टॉप को मिलेगी, आपको बॉटम में नहीं मिलेगी सेटिंग ऑप्शन में। और इस रॉम में बहुत बार क्या हो सकता है कि कस्टम रॉम पोर्ट की गई हुई है जो बीटा रॉम होती है MIUI 9 नोगट की, तो इसमें बहुत से ऐप कुछ रन नहीं हो गया अच्छे तरह से और क्रैश हो सकते हैं वो ऐप। और उसी तरह आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है इस रॉम में, जो कि अच्छा ऑप्शन है, मतलब आप दो एप्लीकेशन एक विंडो में यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। और उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनिमेशन है आइकॉन का वो चेंज हो गया है, जैसे कि गियर है वो रोटेड होता है। अगर आप सेटिंग पर क्लिक करोगे और वापस होम बटन दबाओगे तो जो गियर आइकॉन होता है सेटिंग का वो रोटेड होता है। उस तरह के कुछ एनिमेशन इस रॉम में ऐड की गई हुई है। तो अगर जब जब भी MIUI रेडमी नोट 3 के लिए MIUI 9
तो अपडेट आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा वो कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।